तीन महीने चार महीने के बाद ही मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना बड़ा टास्क मिला है, तो मैं अपनी स्टाइल से काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। भरोसे की क्या कमी है जो इतने सारे गैर दलीय लोगों को भाजपा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है? देखिए, भाजपा के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने वाले के खेमे में निराशा है। एडजस्ट कैसे होंगे इतने सारे लोग? तो भाजपा का संगठन का तंत्र इतना मजबूत है कि उसकी हाजमा शक्ति में सब हजम हो जाते हैं, और अलग से ऐसे कुछ हम करने देते भी नहीं है। लाडली बहनों को अब तक 3,000 मिल जाने चाहिए थे, 2,700 रुपये का अनाज खरीदी का दाम हो जाना चाहिए था, तो ये वादे कब पूरे होंगे? तो हमने संकल्प पत्र 5 साल की सरकार के लिए बनाया है, उसको 3 महीने के लिए थोड़ी किया है। लाडली बहनों के भविष्य का क्या होगा? लाडली बहना सहित कोई योजना बंद भी नहीं की और नए नए काम चालू किए। बैलेट पेपर अगर आ जाए तो देश में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, अभी भी उनकी वही आशंकाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सब उनके ख्याली पुलाव है, ये पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और अभी इस बात में कोई दम नहीं है, वो कुछ भी कर ले उनकी हार तय है। से कमलनाथ जी के प्रति आक्रामकता थोड़ा सा कम रही है? नहीं, ये गलत बात है, झूठी बात है। मोहन यादव का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो जनता इस चुनाव में भी रेट करना चाहेगी? कुछ बताइए, आप कौन सी पूछना चाहेंगे? यह है कि एक तरह की तानाशाही और लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की तैयारी है, इसीलिए शायद इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कांग्रेस डरी हुई है, मरी हुई है, अन्यथा हम 400 पार, वो 425 बोल दें। एक नेता पूरा देश अपने पैरों से नाप रहा है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं लोग उसको, आपको क्या लगता है? वो खुद सीरियस हो तो ले। हजारों लाखों की तादाद में युवा जो है महानगरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, काम धंधे नहीं है, इस पर क्या विशेष फोकस आपका रहेगा? बुंदेलखंड मेरा सबसे प्रिय क्षेत्र है और भाजपा का लिए तो वो एक आशीर्वाद का क्षेत्र है। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पब्लिक टाइम पर आपका स्वागत है, और मध्य प्रदेश के चुनावों को कवर करने के लिए हमारी खास सीरीज जो कि राजपाट है, उसके अंतर्गत आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सरगर्मी से चुनाव हैं, और 16 से 18 घंटे मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज वे छतरपुर ज़िले में हैं और इस दौरान एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया, भीगते हुए पानी में बारिश के दौरान खूब मेहनत की। वे हमारे साथ हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार, जय महाकाल। आपके लिए शुभकामना देता हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा चैनल चलाना ये कठिन होता है, लेकिन ये अच्छा है, आपने वर्तमान बदलते दौर में अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया और आपके माध्यम से मैं जो मोदीमय प्रदेश हुआ इस पे बात करना चाहूँगा। जी सर, पहले सवाल तो ये कि पहली बार 3 महीने चार महीने के बाद ही मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना बड़ा टास्क मिला है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव की जो प्रचार की कमान है वो आपके हाथों में, महाकाल की नगरी से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रचार को संभालने में कितना अंतर देख रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, हम सब कार्यकर्ता भाव से हर काम को लेते हैं। मैं बहुत सारी दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ, MP का, टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चयन, उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, ऐसे तो इसलिए कोई मैं ये मान के चलता हूँ कि जो काम मिले उसको अच्छे से करने का मेरा स्वभाव है, तो उस काम में कभी घबराता नहीं, काम के साथ मेहनत कमी में कभी कमी नहीं रहने देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना समय मिला हमने जो बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया, प्रदेश की जनता जानती है इस बात के लिए कि जहाँ संवेदनशीलता हो वहाँ संवेदनशीलता, पारदर्शिता, डेवलपमेंट के सारे मामलों को लेकर के आगे जाना, और सरकार के मामले में पुरानी सरकार भी हमारी थी इसलिए उसकी अच्छाइयों को लागू करते हुए, लेकिन हर एक के काम करने का अपना स्टाइल होता है, तो मैं अपनी स्टाइल से काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव में उत्साह तो बहुत दिख रहा है, लेकिन उत्साह के बुनियाद में भरोसे की क्या कमी है जो इतने सारे गैर दलीय लोगों को भाजपा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है? देखिए, भाजपा के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने वाले के खेमे में निराशा है। सामने वाले को खेमे कांग्रेस, खासकर खुल के कहूँ तो कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ, एक लग रहा है जैसे अंधी कोई गहरी खाई में सब लोग जा रहे हैं, तो जो बाहर आ रहे हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि राजनीति करना है। तो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई,
और राजनीति के माध्यम से देश सेवा करना हो, सांस्कृतिक मानदंडों पर सम्मान के साथ जीवन जीना हो, अलग अलग अपने क्षेत्र के अंदर के ऐसे कई विषयों जिस विषयों से लेकर के राजनीति में अपने अपने नगर की ज़िले की अपनी पहचान बन सकती है या अपनी क्षमता योग्यता का उपयोग हो सकता है। तो समय के साथ समझने वाले लोगों ने तो निर्णय कर लिया कि कांग्रेस डूबता जहाज है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लोग आ रहे हैं बड़े पैमाने पे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे लायक हैं, जो जिनमें क्षमता योग्यता और भविष्य की अच्छे मन की उनकी संकल्प शक्ति, उसी कारण से हम उनको मौका दे रहे हैं। एडजस्ट कैसे होंगे इतने सारे लोग? भूपेंद्र सिंह जी ने भी पिछले दिनों बयान दिया कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये लोग कैसे एडजस्ट होंगे? देखिए हमारे आप भविष्य देखते हैं इनका? हमारा तो काम का तरीका इतना बढ़िया है, हमारे भाजपा में ये कोई कष्ट नहीं है। भाजपा और उसके अंदर आपने देखा कि हमने माननीय सिंधिया जी हमारे साथ आए, साथ में सरकार रहे, चुनाव तक लड़ लिए, लोग करे चार दिन नहीं चलेंगे, आठ महीना टूट जाएंगे, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे पास आने में जैसे दूध में शक्कर मिला देते हैं, इस तरह से कार्यकर्ता एक रस हो जाते हैं। हमारे यहाँ अलग से कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा लेकर कोई चलना चाहे तो भाजपा का संगठन का तंत्र इतना मजबूत है कि उसकी हाजमा शक्ति में सब हजम हो जाते हैं और अलग से ऐसे कुछ हम करने देते भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से और भाजपा में आने के बाद कोई कुर्सी मिलेगी, मंत्री बनेगा, मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कोई ये संकल्प लेके कोई और पार्टी में आएंगे लोग? हमारे यहाँ तो देश सेवा के लिए आते हैं, तो जो काम मिल जाए अच्छे से करते हैं। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न जो कहते थे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का है, तो लाखों लाख कार्यकर्ता है, सब काम कर रहे हैं, सबके साथ लगे हुए। अच्छा, पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर लड़ रही है। जीतू पटवारी कांग्रेस के जो हैं वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। लाडली बहनों को अब तक 3,000 मिल जाने चाहिए थे, 2700 रुपये का अनाज खरीदी का दाम हो जाना चाहिए था, तो ये वादे कब पूरे होंगे? जिनके नाम ले रहे हो आप उनकी उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हो, वहाँ प्रदेश की जनता को क्या सुनाने जाएंगे? वो अपने प्रदेश के अध्यक्ष की स्वीकारता नहीं करा पा रहे, कांग्रेस के अंदर उनको कोई अध्यक्ष नहीं मान रहा है, इसीलिए लोग छोड़ के बाहर आ रहे हैं, नौसुखिया मान के चल रहे हैं। तो वो किसी प्रश्न उठाए इसका कौन मानने वाला है? आप बताइए, जो अपने प्रत्याशी के चयन से लेकर कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों की क्या हाल है? कोई छिपी हुई नहीं है, कांग्रेस पार्टी ना कोई कार्यक्रम दे पा रही, ना कार्यकर्ताओं को जोड़ पा रही, ना अपने पास रोक पा रही, तो उनके भाषा में कोई सवाल नहीं। लेकिन भाजपा ने जो कहा है ये हमने कहा कि मोदी की गारंटी और गारंटी की गारंटी है, इसलिए हर वो चीज़, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हम 2700 का गेहूँ देंगे, तो हमने संकल्प पत्र 5 साल की सरकार के लिए बनाया है, उसको 3 महीने के लिए थोड़ी किया है, तो हम अपने 5 साल के अंदर पूरा करने वाले हैं। वो चरणबद्ध हमने लागू भी कर दिया, जैसे 2100 गेहूँ था पहले, की बार 2275 केंद्र सरकार ने कर दिया, 125 हमने मिला दिया, 2400 हो गया। अगले साल कितना होगा आप जोड़ सकते, केंद्र का भी बढ़ेगा, राज्य का भी बढ़ेगा, उसके अगले साल भी बढ़ेगा, 2 साल में 2700 हो जाएगा, हम तो और आगे 3000 तक ले जाएंगे। तो इसलिए हमको उनकी बात का भरोसा नहीं, जो या उनकी बात का जवाब भी नहीं देना, लेकिन जनता के प्रति जवाब दे। एक सवाल ज़रूर सबके जहन में है कि लोकसभा चुनाव के बाद लाडली बहनों के भविष्य का क्या होगा? देखिए ये पहले महीने से कहते आ रहे हैं, वो 4 महीने हो गए, अब बंद कर देंगे, तब बंद कर देंगे, लेकिन अब हमने कहा कि कोई योजना जो सरकार हितैषी है कोई योजना बंद नहीं होगी। और मुझे इस बात के संतोष है कि हमने लाडली बहना सहित कोई योजना बंद भी नहीं की और नए नए काम चालू किए, और जितना हमारा कोटा था उससे और आगे बढ़ा करके हमने मंजूरियाँ दी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बैलेट पेपर अगर आ जाए तो देश में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, अभी भी उनकी वही आशंकाएँ हैं, इस पर क्या कहेंगे? बैलेट पेपर नहीं आ जाए, जो जिनका नाम अपने नाम लिया वो हार से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और एक भ्रम डाल करके 400 का बैलेट पेपर बहुत बड़ा होगा तो उनका मानना कमल का फूल ढूंढने में कठिनाई होगी, ये सब उनके ख्याली पुलाव है। ये पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और अभी इस बात में कोई दम नहीं है, वो कुछ भी कर ले उनकी हार तय। जब से कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का वो 48 घंटे का अफवाहों का कह लीजिए या खबरों का जो दौर था, तब से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से कमलनाथ जी के प्रति आक्रामकता थोड़ा सा कम रही है। चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और नकुलनाथ के बीच में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन आक्रामकता में थोड़ा कमी आई है, कोई वजह है इसकी? नहीं, ये गलत बात है, झूठी बात है। मेरे पहले इतनी बार कभी CM को छिंदवाड़ा नहीं गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सवाल ही उठता है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मार सभा भी कराई और माननीय गृहमंत्री जी का 16 तारीख को वहाँ इसी
छिंदवाड़ा की धरती पर रोड शो है, तो हमने कहा है कि बाहरी चाहिए या आंतरिक चाहिए। अब वहाँ स्थानीय कोई सांसद बनना चाहिए, इस आज़ादी के 75 साल बाद भी कोई लोकल सांसद नहीं बन पाएगा तो कितनी ख़राब बात है। वो जनता ये मान रही है, तो ये कहना गलत है कि कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के लिए बीजेपी ने थोड़ी नरम रुख अपनाया। हमारा रुख एक जैसा है, अब की बार 29 बार। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में मोहन यादव का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो जनता इस चुनाव में भी रेट करना चाहेगी, कुछ बताइए। ऐसा कुछ बताइए, आप कौन सी पूछना चाहेंगे? हमने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू की, जिसके आधार पर गरीबों से गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड के आधार पर डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेगा कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना है, तो किसी जगह पे ले जाना है, तो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से मरीज को ले जाने का हमने निर्णय किया है। हवाई, मैं जब खजुराहो में बात कर रहा हूँ, तो हवाई यातायात के अंदर की एक व्यवस्था स्टेट लेवल की, जिसको एयर टैक्सी के रूप में हम चालू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से धार्मिक पर्यटन को लेकर के हेली सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा से, जैसे खजुराहो से ओरछा, खजुराहो से दतिया, ये ऐसी कई सेवाओं को, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। इसके अलावा आपने देखा हमारे अपने गेहूं के बारे में मैंने बताई है कि हमने अब 125 रुपया हमारी तरफ से बोनस चालू किया है। फिर कोई प्रत्येक ज़िले में उत्कृष्ट कॉलेज चालू करने की बात कही है, एक्सीलेंस कॉलेज है। अपने यहाँ खुद बुंदेलखंड में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय बनाया, 3-3 नए विश्वविद्यालय हमने बनाए हैं। इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खुले में किसी हालत में को जो अपराधी है वो जमानत करा के घूमता, तो उसकी जमानत निरस्त कराएंगे, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से मटन मछली या फूड सेफ्टी के खिलाफ जो दुकानें चलती थी उन पर बंदिश लगाया है। जो ध्वनि प्रदूषण नियम उसका लागू कराने का निर्णय किया है। कोई एक बात हो तो बताऊँ, ढेर सारे निर्णय हमने लागू किए और मुझे इस बात का संतोष है, जनता ने प्रत्येक निर्णय को अप्रिशिएट किया। विकास बात की इस राजनीति के पीछे कांग्रेस कहती है कि एक तरह की तानाशाही और लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने की तैयारी है, इसीलिए शायद इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कितना अंदेशा इनका सही लगता है आपको? कांग्रेस डरी हुई है, मरी हुई है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अन्यथा हम 400 पार, वो 425 बोल दें, वो जीत के बता दें, उनको कौन रोक रहा है? इसका मतलब है कि उनका मनोबल गिरा हुआ है, वो डरे हुए हैं, और आसन्न हार के आधार पर हमारी जीत को वो अभी से संकेत करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है ऐसा होगा नहीं। एक नेता पूरा देश अपने पैरों से नाप रहा है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं लोग उसको, आपको क्या लगता है? वो खुद सीरियस हो तो ले, जो खुद ही सीरियस नहीं उस पर कोई क्या करेगा। एक ऐसा रॉकेट है जो बार बार लॉन्च करते और गिर पड़ता है, 14 में लॉन्च किया गिर पड़ा, 19 में लॉन्च किया गिर पड़ा, अब और 24 में लॉन्च कर दो, उसमें दम ही नहीं है। मूल रूप से वो लीडर है ही नहीं, उनकी माँ ने उनको लाड़ प्यार से पाला पोसा भले ही, लेकिन मूल पिंड नहीं देखा कि वो राजनीति लायक है कि नहीं है। इसलिए हार करके यूपी का माहौल छोड़ करके केरल तक चले गए, वो तो केरल के आगे समुद्र आ गया, नहीं तो और उसके आगे तक भागना हो तो वहाँ तक भाग जाएगा। आखिरी सवाल, हम जिस बुंदेलखंड में बैठे हैं वहाँ का एक बड़ा दर्द है वर्षों से, सूखा बुंदेलखंड और पलायन वाला बुंदेलखंड। हज़ारों लाखों की तादाद में युवा जो है महानगरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, काम धंधे नहीं है, इस पर क्या विशेष फोकस आपका रहेगा? बुंदेलखंड मेरा सबसे प्रिय क्षेत्र है और भाजपा के लिए तो वो एक आशीर्वाद का क्षेत्र है, इसलिए बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक योजना, नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत 45,000 करोड़ की मेरे सरकार में आने के बाद इसकी यूपी हमारे बीच के जो कुछ कठिनाइयां थी उसको दूर करके उस मॉडल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र में कृषि का बड़ा लाभ मिलेगा, एयर टैक्सी, हेली सर्विस का मैं बता चुका हूँ, इंडस्ट्रियों के लिए हम बता चुके हैं, माइनिंग के लिए देश में नंबर वन का राज्य अगर कोई बना है तो मध्य प्रदेश बना। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए खासकर बुंदेलखंड और ऐसे क्षेत्र को टारगेट पहले कर रहे हैं जो काल के प्रवाह में बहुत प्रभावी थे लेकिन आज जरा पिछड़ गए, तो इनको सबको ताकत दे करके मजबूती के साथ जो जिस तरह से बढ़ सकता है उसको बढ़ने का अवसर देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। चुनाव के इस माहौल के बीच उन्होंने हमें वक्त दिया और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।